जी रीमा, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि न्यूज 18 इंडिया पहली बार रिजल्ट जो है वो रिजल्ट सेंटर से ही पेश करा। जी हाँ, ये रिजल्ट सेंटर है, यहीं पर ही रिजल्ट आ रहे हैं सारे, यही सारी जो काउंटिंग होने के बाद यहीं से अनाउंस होने हैं रिजल्ट, और यहीं से हम आपको सीधे लाइव रिजल्ट दिखाने वाले हैं। 8 बजे ये शुरू हो जाएंगे यहां पर आंकड़े आना, जब ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी आंकड़े यहां पर आएंगे, और यहीं से आंकड़े सीधे आपकी स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तो इस बार इससे तेज, इससे सटीक कुछ नहीं मिल सकता आपको किसी स्क्रीन पर, क्योंकि यहीं पर न्यूज 18 इंडिया मौजूद है। हमारे साथ अंकिता बीजेपी ऑफिस से मौजूद हैं, हमारे साथ रीमा मौजूद है आम आदमी पार्टी ऑफिस से, यतेंद्र मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस से, हमारे साथ जावेद भी आम आदमी पार्टी से बने रहेंगे, रवि सिंह हमारे साथ कांग्रेस के ऑफिस से मौजूद हैं, प्रियंका इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से मौजूद हैं, वहीं मानव यादव भी हैं, और हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अलग अलग काउंटिंग सेंटर से नीरज, अमित पांडे और दीपक बिष्ट लगातार हमें अपडेट देते रहेंगे। 42 काउंटिंग सेंटर हैं, 250 वार्ड हैं, 250 वार्ड के 42 काउंटिंग सेंटर हैं, वो 42 काउंटिंग सेंटर से जो गिनती है वो सीधा यहाँ रिजल्ट सेंटर में आएगी, और रिजल्ट सेंटर से लाइव आप तक आपकी न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन तक पहुंचेगी। याद रखिए ये वो चुनाव हैं जो गुजरात और हिमाचल के चुनाव के साथ हो रहे हैं, और उनसे कम नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि तीनों जगह गुजरात और हिमाचल के कल नतीजे आएंगे, इन तीनों जगह बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। जो अभी तक के एग्जिट पोल वगैरह आए उनमें आम आदमी पार्टी एमसीडी में आगे दिखाई गई, बीजेपी हिमाचल और गुजरात में आगे दिखाई गई, यानी आम आदमी पार्टी का सब कुछ यहां पर दिल्ली में दांव लगा हुआ है एमसीडी के चुनाव में, क्योंकि यहां जीत की आम आदमी पार्टी पूरी उम्मीद कर रही है और अच्छी जीत की उम्मीद कर रही है। लेकिन बीजेपी का साफ दावा है कि नहीं, 250 में जो मेजॉरिटी आराम से बीजेपी क्रॉस कर लेगी। तो यही लड़ाई आज देखनी है, यही काउंटिंग आज देखनी है, सीधा देखनी है आपको रिजल्ट सेंटर से, रिजल्ट सेंटर से सीधा आपकी स्क्रीन पर पहुंचेगी न्यूज 18 इंडिया की। चलते हैं अंकिता के पास। बिल्कुल किशोर, और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि ये एमसीडी इलेक्शंस बहुत अहम रहने वाले हैं, और आपकी बार सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश भर की नजरें इस एमसीडी इलेक्शंस पर टिकी हुई थी, और बड़ी वजह यह है कि दुनिया के जो सबसे बड़े एमसीडीज हैं उनमें से एक गिना जाता है, और क्षेत्रफल की अगर बात कर ले और आबादी की अगर बात करें किशोर, तो श्रीलंका पूरा देश उसके बराबर यहां की आबादी है, 2.25 करोड़ की आबादी, और ऐसे में यही बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अगर बजट की बात कर ले तो 15.5 करोड़ से ज्यादा का बजट है, और क्योंकि परिसीमन के बाद से 272 जो सीटें थी उन्हें कम करके 250 सीटें कर दी गई थी, ऐसे में अब जो ये एक मेयर चुना जाएगा, कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा उसके आसपास ही उसका दर्जा भी होगा पावर के लिहाज से, ये बड़ी वजह रही। लेकिन हम खासकर बीजेपी ऑफिस में मौजूद है, बीजेपी की सबसे पहले बात कर लेंगे। आप जानते हैं किशोर कि एग्जिट पोल्स के नतीजे ये इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हवा चल रही है, लेकिन बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, और यहां पर वो तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह के वादे किए गए थे। लेकिन किशोर, एक पोस्टर हम आपको दिखाएंगे, और ये देखना बेहद जरूरी है, और ये बात तभी साबित होती है, और बार बार जिस तरीके से रीमा भी हमें बता रही थी कि इलेक्शन मोड में बीजेपी रहती है, और अगर किसी तरीके से मायूसी हाथ लगे भी तो उसे एक सबक के तौर पर देखती है। देखिए, यहां पर गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर है, और साफ यहां पर लिखा हुआ है कि विजय से हम अहंकारी नहीं होते और पराजय से हम निराश नहीं होते, यही खास बात है बीजेपी की, अंत समय तक लड़ती है, और अगर मायूसी हाथ लगती भी है तो फिर वो उसे सबक के तौर पर लेती है और मिशन मोड में जुट जाती है, और एमसीडी इलेक्शंस को भी बीजेपी की ओर से मिशन मोड में ही लिया गया है। हालांकि यहां बीजेपी ऑफिस में तस्वीरें थोड़ी सी मायूसीजनक है, जिस तरह का उत्साह देखा जाता था, जिस तरीके से हमारे सहयोगी तमाम बता रहे हैं कि संभल संभल कर पार्टियां चल रही हैं, उस तरीके से जश्न का माहौल तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन दावे तमाम जो यहां पर बीजेपी नेता पहुंचने शुरू हुए हैं, बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है, उनकी ओर से यह किया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो वापसी करेगी एमसीडी में, अंत समय तक इंतजार कीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ओर से साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि इंतजार कीजिए, जो ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये पलटेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी दावा इस बात का किया जा रहा है कि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो जो आए हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो ये भी बात कहते हुए नजर आए कि जो भी जनादेश होगा जनता का उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन देखिए, यहां पर ये वो वादे हैं, ये वादों के पोस्टर्स हैं जो कि बीजेपी की ओर से किए गए थे। देखिए, यहां पर साफ तौर पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की बात कही गई थी, गरीब के सपनों का सम्मान हुआ, जहां थी झुग्गी वहां मकान हुआ, इस तरह के तमाम वादे किए गए थे। और 2017 के अगर मैनिफेस्टो की बात करें किशोर, तो लगभग 2022 के मैनिफेस्टो जैसा ही है, लेकिन उसमें तो कुछ तब्दीलियां की गई है, लेकिन ये तब्दीलियां कितनी जनता को रास आई है। रोक रहा हूं